ये है क्लब महिंद्रा मशोबरा। ये मेन रोड से आपको राइट साइड में जब आप जाते हैं तो राइट साइड में आपको मिलता है। अब मैं कार से आपको बाहर का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, और अभी यहाँ पर देखिए सामने ही बहुत अच्छा सा रास्ता है, छोटा सा इन्होंने पुल बना रखा है, यहाँ से कार जाएगी। राइट साइड में नीचे बेसमेंट में पार्किंग है, लेकिन अभी वहाँ कुछ काम हो रहा है तो इन्होंने हमें सामने ही रोकने के लिए बोल दिया है। और लेफ्ट साइड में नीचे ये अभी मैं लेकर जाऊँगा आपको, यहाँ पर पूरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी स्टार्ट हो चुका है जो नीचे पार्किंग में है। तो इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग स्टेशन रहता है, पार्किंग का यहाँ से रास्ता है नीचे। तो और किसी भी यहाँ पर रिजॉर्ट में ये है चार्जिंग स्टेशन, या यहीं पे स्टार्ट हुआ? अभी यहीं पर ही है। अच्छा, ये है हमारा यहाँ से आने की जगह, और ये हमारा नीचे जो है पीएफ के बाहर का एरिया था वो है। चलिए चलते हैं अब हम यहाँ से वापस। ये है क्लब महिंद्रा मशोबरा। यहाँ से देखिए अभी हम आए थे कार पर, ये नीचे इनका पूरा प्ले एरिया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी तो। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, और ये रिसेप्शन की तरफ आइए चलते हैं। ये है रिसेप्शन, ये मंदिर है राइट में। राइट में जाने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट है, और सामने है बहुत बढ़िया सीनरी के साथ वेटिंग एरिया, यहाँ पर बैठकर आप चिल कर सकते हैं। ये राइट साइड में हम जब एंट्री करते हैं रिसेप्शन से, तो राइट साइड में ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह, मीटिंग्स वगैरह के लिए, कॉरपोरेट मीटिंग वगैरह के लिए एरिया है, जो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट नीचे है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, -1 पर है रेस्टोरेंट। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर है हैप्पी हब और रेस्टोरेंट, ये कहा जाता है बहुत ही बेकार है, हर कोई ये कहता है बहुत ही घटिया और बेकार रिजोर्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मुझे तो ठीक ठाक लगता है, क्योंकि ये बहुत पुराना बना हुआ है तो लोगों को थोड़ी कम हैपनिंग जगह लगती है। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? आइए आपको लेकर चलते हैं नीचे रेस्टोरेंट की तरफ। हम ग्राउंड -1 पर आए हैं, और यहाँ पर है रेस्टोरेंट। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस जगह हैं, और सीनरी भी ठीक है, आप यहाँ पर खाना खाते हुए मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ से सीनरी दिखाई देती है, और बूफे यहाँ पर लगता है। इस समय तो हम इस टाइम पर आए हैं जब यहाँ खाने का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ से बाहर जाते हैं तो हैप्पी है के बाहर का रास्ता है, वहाँ से हैप्पी हब से भी बाहर आ सकते हैं, यहाँ से भी हम बाहर आ सकते हैं। दोनों तरफ से जो रास्ता है वो बाहर ही मिलता है। यहाँ बैडमिंटन और बाकी के डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, प्ले एरिया है, आर्चरी है, और यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम में भी पार्टी वगैरह हो जाती है। यहाँ से हैप्पी हब की तरफ रास्ता जाता है। ये देखिए अगर किसी को जैसे एनिवर्सरी डिनर वगैरह करना होता है तो साइड में अलग से जगह बनी हुई है, और कुछ अलग यहाँ पर हमारे लिए अलग अलग एक्टिविटी के लिए एरिया बने हुए हैं। और यहाँ से हैप्पी हब है, तो हैप्पी हब अंदर से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक एरिया है। और मेरे राइट में ऊपर पुल है जहाँ से हम कार लेकर आए थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है फिलहाल, जैसा आप देख सकते हैं, और ये मैं हैप्पी हब में एंट्री कर रहा हूँ, जो अंदर से भी कर सकता था, एंड में आपको दिखाऊंगा। तो ये हैप्पी हब में आ गया मैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लूडो वगैरह है, स्नैक्स एंड लैडर्स, चेस, वीडियो गेम्स, टीटी, कैरम बोर्ड है, एयर हॉकी है। ये स्टेज है जहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, इवनिंग प्रोग्राम वगैरह सब यहीं होते हैं। बिलियर्ड टेबल भी है,
और यहाँ डांस वगैरह सब हो जाते हैं। तो मैं राइड में गया था, जब स्टेयर से नीचे आया था तो सामने गया था रेस्टोरेंट में, घूम के बाहर चला गया। अब मैं वापस स्टेयर्स मेरे राइट साइड में आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। लेफ्ट में मेरे वो ये जो रेस्टोरेंट गए थे, और यहाँ से आते हुए पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पर हैप्पी हब है जहाँ से हम आ रहे हैं। अब नीचे माइनस वन पर हम जाएंगे। ये अब हम माइनस टू पर आ रहे हैं और यहाँ पर स्पा है। स्पा इधर है या उस साइड है? स्पा उस साइड है। ये है माइनस टू और थोड़ा माहौल भी यहाँ पर स्पा जैसा लग रहा है। स्पा यहाँ इस और क्या क्या रहता है स्पा के? स्पा ही है बस। अच्छा, तो एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था मैं इसके लिए, तो उसके लिए बता रहा था। स्पा है, अलग अलग टाइप की मसाजेस और थेरेपी वगैरह भी होती हैं कोई? नहीं सर, मसाजेस होती है। अच्छा, एक्चुअली पहले यहाँ पे आयुर्वेदिक थेरेपीज भी होती थी, अभी वो बंद है सर। अच्छा, वो मेरे ख्याल से समर सीजन में रहती है या? नहीं सर, अभी भी रहती है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये था हमारा स्पा। अब यहाँ पर मैं रुका तो नालदेहरा में हूँ इस समय, यहाँ रुका हुआ तो नहीं हूँ, तो लेकिन मैंने रिसेप्शन पर बोला है कि रूम का भी आप मुझे एक्सेस दे दें ताकि मैं रूम की भी वीडियो बना पाऊँ। देखो क्या होता है, अगर इन्होंने रूम का एक्सेस दे दिया तो मैं रूम का भी पूरा आपको डिटेल दिखा दूँगा, ताकि आपको रूम का भी आइडिया हो जाए कैसा रूम है। पुराना, बहुत पुराना बना हुआ ये बिल्डिंग, बहुत पुरानी है, इसलिए लोगों को थोड़ा कम पसंद आता है जैसा मैंने बोला, क्योंकि मुझे तो ठीक लगता है। आपको आराम करना है तो अच्छा रिजोर्ट हो सकता है, लाइक अदर क्लब महिंद्रा। आप यहाँ पर मील पैकेज ले सकते हैं और आप देख सकते हैं मील पैकेज के क्या चार्जेस हैं यहाँ। थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है लेकिन फूड अच्छा होने की वजह से आपको लगेगा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। बार है यहाँ पर, देख सकते हैं छोटा सा बार है क्योंकि बार यहाँ कम चलता है। कई रिजॉर्ट ऐसे हैं इनके गोवा साइड में, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बार हैं, लेकिन यहाँ पर बार का एरिया थोड़ा सा छोटा है। ये बार रिसेप्शन के पास ही जहाँ पर शॉप है, ये रिसेप्शन है, तो इसी के बराबर में ही यहाँ पर बार का एंट्री है। ये यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में बता रखा है। अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज है। ये होटल यूनिट है मशोबरा का, और होटल यूनिट के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से नालदेहरा में हमारा स्टूडियो भी इतना ही है, ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये हमारा बेड हो गया, ये सोफा हो गया, स्टडी चेयर हो गई, और यहाँ से व्यू देखिए क्या बढ़िया व्यू है रूम से, काफ़ी अच्छा व्यू है। देखिए बिल्कुल ऐसा व्यू आपको नालदेहरा से भी मैंने दिखाया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, नालदेहरा के रूम की वीडियो, पूरा रिजॉर्ट का उसका भी आपके पास रिव्यू है। रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा होटल यूनिट के हिसाब से। ये देखिए अलमीरा दिखाते हैं आपको, ये देखिए बिल्कुल जैसे और सब होती हैं। यहाँ पर लॉकर भी है और स्पेस वैसा ही है। आइए बाथरूम में, बाथरूम छोटा है लेकिन होटल यूनिट है। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल क्लब महिंद्रा की तरह ही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, लेकिन रूम बड़ा होने की वजह से मेरे ख्याल से बाथरूम में जगह थोड़ी कम है। तो काफ़ी अच्छा रूम है ये
होटल यूनिट के हिसाब से मुझे तो बहुत पसंद आया। वापस जा रहे हैं, कितने रूम हैं यहाँ टोटल? 67 रूम हैं। और कितने इसमें वन बी आर हैं, कितने स्टूडियो और कितने होटल यूनिट, कुछ ब्रेकअप का आइडिया है आपको? अच्छा, तो अभी कितने ऑक्यूपाइड हैं लगभग? ऑलमोस्ट आज अराउंड 70-75% ऑक्यूपाइड। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये था रिव्यू हमारा क्लब महिंद्रा मशोबरा, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा।